हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे एस के इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये एक सैमसंग का फ्रिज है और सिंगल डोर फ्रिज है। तो दोस्तों इसमें फॉल्ट क्या था एक्चुअल में, इसकी जो है ये डिस्प्ले जो है वर्क नहीं कर रही थी। अभी जो है इसे हमने रिपेयर कर दिया है, तो फिर भी जो है हम एक बार इसे आपको चला के दिखा देते हैं और आपको शायद समझ में आ जाएगा फॉल्ट क्या था इसके अंदर। तो इसे हम ऑन कर देते हैं, ऑन नहीं किया। ऑन करने के बाद देखेंगे जिसकी जो है डिस्प्ले ऑन हो चुकी है और हमारी जो है सारी की जो है काम कर रही है। आपको बीप की साउंड सुनाई दे रही होगी और प्लस मैं इसे बटन को प्रेस करके रखता हूँ। तो देखिए ये भी जो है हमारा इको मोड पे चला गया और बटन जो है परफेक्ट काम कर रहा है। और इसमें फॉल्ट क्या था दोस्तों, इसके जो ये दो वाले बटन थे ये वर्किंग में नहीं थे, जिसकी वजह से इस फ्रिज को जो है डिफ्रोस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी और साथ में जो है इसे इको मोड पे डालने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। हमने इसकी पीसीबी को जब निकाल के देखा, मैं इसकी एक बार फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जब हमने इसकी पीसीबी को निकाला तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोसेसर लगा हुआ है, तो देखेंगे हमारा यहाँ पे जो हमारा ये प्रोसेसर लगा हुआ है जिसे हम सीपीयू भी बोलते हैं ज़्यादातर कई लोग, तो यहाँ पे जो है कहीं बिल्कुल इतने देख सकते हैं आप कितने बारीक जो कंपोनेंट थे रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर, ये शॉर्ट हो चुके थे क्योंकि 5 वोल्ट जो है शॉर्टिंग हो चुकी थी इसकी। उसे जो हमने देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर हमने रिप्लेस किए। इसका जो नंबर रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूँगा। और इन्हें हमने रिप्लेस किया और जो रेजिस्टेंस थी इस पोर्शन में, जो हमारा इस जैक का पोर्शन है जिसमें सेंसर और प्लस हमारी डिस्प्ले की सारी वायरें हैं, तो उसको शॉर्टिंग निकालने के बाद हमारी डिस्प्ले जो है दोस्तों वर्किंग में नहीं आई। और वर्किंग ना होने की वजह से जब हमने इसका जो दोस्तों देख सकते हैं ये जो हमारा इसका रिबन लगा हुआ है जिसे हम कनेक्टर भी बोल सकते हैं, वायर बोल सकते हैं कनेक्शन, तो ये यहाँ से होता हुआ हमारा नीचे जाता है। तो जब हमने इसका यहाँ से ये रिबन खोला, मतलब वायर कनेक्टर खोला, और यहाँ से वहाँ तक की वायरिंग ओके थी, 100 ओम्स के करीब जो है ऑल टोटली वायरिंग की जो है इसकी कंटिन्यूटी आ रही थी। अभी जो यहाँ से जो रिबन कटा हुआ था हमारा, यहाँ से जो है रिबन कटा हुआ था मतलब इसके अंदर से देख सकते हैं हमने जो है यहाँ से ये पीस कटिंग कर दिए हैं। और कटिंग करने के बाद तो यहाँ से हमने सारी वायर जोड़ दी हैं जिसकी वजह से जो है हमारी पूरी डिस्प्ले काम कर रही है। तो जब भी आप ऐसे फॉल्ट में जाते हैं ये चीज़ ज़रूर चेक करें कि आपके कहीं वायरिंग तो मिस नहीं है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।